हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स लाइक ए शीट एंड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेजन। तो किसी लिक्विड की फ्री सरफेस बिहेव्स करती है लाइक ए शीट, और ये टेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है पॉसिबल एरिया के साथ, तो ये किस कारण होता है? फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माइका। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स किसका है? माइका है। पूर इन वर्ल्ड, पूरे जो है संसार में इंडिया के पास माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वाज। तो इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा नाम का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कितने रेड ब्लड सेल्स होती हैं? ये होते हैं हमारे 30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेड ब्लड सेल्स डज बोन मैरो प्रोड्यूस एवरी सेकेंड। तो कितनी जो है रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के द्वारा प्रति सेकेंड प्रोड्यूस की जाती हैं? तो 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रति सेकेंड एक ह्यूमन बॉडी के द्वारा बोन मैरो के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है दो वैरायटीज के बीच, किन्हीं दो वैरायटीज के बीच क्रॉस फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर इज फेमस फॉर। तो जावर किसके लिए फेमस है? जिंक माइंस के लिए फेमस है, जिंक की खदानों के लिए जावर फेमस है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और जावर जो टाउनशिप है वो माइनिंग कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जावर टाउनशिप क्रिएट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेजर मिनरल फाउंड इन पंजाब। कौन सा मेजर मिनरल पंजाब में पाया जाता है? ये है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट हमारा सबसे ज्यादा पंजाब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी ऑपरेटर्स यूज टू डिटरमाइन सरफेस एरिया। बीटी ऑपरेटर्स का यूज हम कहां करते हैं? सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए बीटी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और बीटी फुल फॉर्म है ब्रूनर एमिट एंड टेलर। ब्रूनर एमिट एंड टेलर थ्योरी के द्वारा बीटी ऑपरेटर्स क्रिएट किया गया, जिसके द्वारा सरफेस एरिया को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी ऑफ लिक्विड O2 इज -182.92 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ऑक्सीजन का क्या होता है? -182.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नॉच क्या होता है? एक ओपन चैनल होता है। वी नॉच एक ओपन चैनल होता है जिसका यूज फ्लो रेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओपन चैनल में वी नॉच का यूज ओपन चैनल में फ्लो रेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूड इज। किसी आइडियल फ्लूड का फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो होता है। आइडियल फ्लूड का फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्टर काउंटर इज डिवाइस फॉर मेजर्ड द साइज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स। तो फाइन पार्टिकल्स के साइज को मेजर करने के लिए हम कॉल्टर काउंटर मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर। तो परफेक्ट इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? जीरो। परफेक्ट इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी हमारी जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूलिंग इफेक्ट इन ए कूलिंग टावर। उसी कूलिंग टावर में कूलिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? कूलिंग टावर में कूलिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? लोअरिंग द बैरोमेट्रिक प्रेशर। या तो हम बैरोमेट्रिक प्रेशर को कम कर दें, रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एंटरिंग एयर, या जो एयर एंटर कर रही है उसकी ह्यूमिडिटी को कम कर दें, या इंक्रीजिंग द एयर वेलोसिटी ओवर द वेट सरफेस। जो वेट सरफेस पे एयर जो है एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। तो इन तीन जो है मेथड के द्वारा किसी कूलिंग टावर के कूलिंग इफेक्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी। बाउंड्री लेयर फ्लूइड विस्कोसिटी अकाउंट पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो जिन मिक्सचर्स का बॉइलिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, लगभग समान होता है, उन्हें हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के द्वारा अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस
टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है वो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है।